हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम काकोरी कांड को देखेंगे। काकोरी कांड अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य काकोरी डकैती था। 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गाँव में रोक कर रेल विभाग के खजाने को लूट लिया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। 4 को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया तथा 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। काकोरी षड्यंत्र कांड से उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक बड़ा आघात लगा, लेकिन इससे क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्णतः दमन नहीं हो सका। काकोरी षड्यंत्र केस से क्रांतिकारी और भड़क उठे तथा कई और युवा क्रांतिकारी संघर्ष के लिए तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा विजय कुमार सिन्हा तथा पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का काम प्रारंभ कर दिया। इन युवा क्रांतिकारियों पर धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी पड़ने लगा। दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकारा तथा समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSRA कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि सैंडर्स हत्याकांड कैसे हुआ था। तब तक के लिए जय हिंद।